हे गाइस वेलकम बैक टू इमोर्टल गेमिंग। आज हम विर्ज़ा भाई क्रिस्टल आइलैंड का एक और नया एपिसोड लेके आए। और हमने भाई लास्ट एपिसोड में अपने लिए भाई एक टेरानोडॉन को टेम किया था। उसके बाद काफ़ी सारे भाई और डाइनो को हमने मारा था। और उसके बाद मैं ऑफलाइन चला गया था और भाई मैंने थोड़े से अपने लिए भाई मेटल वेटल भी फार्म किया था, बट उसको भाई मीन्स फोर्ज में नहीं डाला था। ऐसा कोई सीन नहीं था। क्यों नहीं डाला था वो मैं बाद में बताता हूँ। पहले तो भाई मैं बता देता हूँ, भाई काफ़ी ज़्यादा बंदे बोल रहे हैं कि आप Y1 को टेम करके आओ, बट Y1 को टेम करने के लिए भाई मुझे क्रिस्टल विस्टल चाहिए, जो भाई मैं इजीली फार्म कर सकता हूँ, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट मुझे भाई Y1 को अभी के लिए नहीं टेम करना, क्योंकि भाई उसकी स्पीड है ना काफ़ी स्लो है, भाई उसको चलाने में इतना ज़्यादा मज़ा भी नहीं आता, बट बाद में टेम कर लेंगे। आज तो भाई हम जाने वाले अपने लिए कोई, अरे भाई मैं क्या टाइप कर रहा हूँ, फोर्ज लिखना था मुझे, क्राफ्ट करनी है एक। तो भाई आज हम जाने वाले थोड़े से अपने लिए रेप्टर को टेम करने के लिए हाई लेवल के, क्योंकि भाई आपको पता ही है भाई इधर काफ़ी ज़्यादा बंदे घूम रहे हैं जो भाई मुझे इजीली मार सकते हैं। और भाई मैं नहीं चाहता भाई किसी भी हालत में मैं मर जाऊँ, इसी वजह से भाई पहले तो भाई अपने लिए पिकेक्स क्राफ्ट करते हैं और उसके बाद चलने लिए एक रेप्टर को टेम करने के लिए, या भाई कोई अच्छा सा भाई दूसरा वाला डिफेंस में मुझे डाइनो मिल जाए ना तो उसको टेम करने के लिए निकलते हैं। अरे भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है यार, मुझे लगा था स्पॉइल मीट होगा मेरे पास, बट स्पॉइल मीट नहीं है। कोई नहीं, चलो भाई अभी जो भी इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, जो भाई मुझे नहीं चाहिए बिल्कुल ही। ओके मैं भी भाई ओके भाई ये काफ़ी ज़्यादा है मेरे पास, मुझे नहीं पता था वैसे। कोई नहीं चलो जो भी है, अरे भाई नहीं हुआ यार, चलो इसको भाई इधर डाल देते हैं। और अभी भाई आई थिंक सो स्पॉइल मीट इसमें होना चाहिए, अरे नहीं है भाई, अरे स्पॉइल मीट किधर से लेके आऊँ भैंस की। कोई नहीं चलो अभी भाई इसको ऐसे कर देते हैं। और बाकी भाई मैं, अरे प्राइमेट, ओके प्राइमेट भाई रेप्टर को टेम करने के लिए चाहिए होगा। कोई नहीं चलो वेट करते हैं तब तक। और इसमें भाई मेटल इंगट भी बन जाएगी और अपने लिए स्मिथी भी क्राफ्ट कर लूँगा थोड़ा सा। और मैं इधर थोड़ा सा वेट करता हूँ, उसके बाद चलते हैं। और वैसे भाई पता नहीं भाई क्रिस्टल आइलैंड में काफ़ी मज़ा आता है खेलने में भाई, इसका व्यू इतना बढ़िया लगता है ना। और क्रिस्टल देख लो भाई अजीब से भाई चमक रहे हैं रात को, मतलब कतई भाई खतरनाक वाली फीलिंग आती है भाई जब भी क्रिस्टल आइलैंड में खेलते हैं ना तभी। और भाई आपको पता ही है आर्क इटर्नल साथ में ही चल रहा है, तो भाई आर्क इटर्नल के भी एपिसोड आपको साथ में ही मिलते रहेंगे। और मुझे थोड़ा सा भाई दिक्कत होती है कभी कभी पोस्ट करने में उसके वीडियो, क्योंकि भाई जब भी वो खेलते हैं ना तभी भाई मैं ये नहीं खेल सकता मीन्स उसी दिन पे, और जब भी भाई मैं ये खेलता हूँ तभी उसी दिन पे वो नहीं खेल सकता, वो दिक्कत की बात होती है। क्योंकि भाई आपको पता ही है मोड थोड़े से भाई मीन्स चेंज करने पड़ते हैं, उसी वजह से भाई मैं एक साथ दोनों खेल नहीं सकता। बट जो भी अभी भाई मैं कर लूँगा कुछ ना कुछ जुगाड़, अभी भाई सुबह होने तक वेट करते हैं और बाद में भाई जब भी सुबह हो जाएगी तब तुरंत ही भाई रेप्टर को टेम करने के लिए चले जाएंगे हम लोग। तो भाई अभी जल्दी से भाई सुबह हो गई है, तो अभी जल्दी से भाई चलते हो। और भाई मैंने अपने लिए भाई पिकेक्स और हैचेट भी क्राफ्ट कर लिया मेटल वाला, तो भाई ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी रिसोर्स फार्म करने में इजी हो जाएगा थोड़ा सा सीन। तो भाई अभी इसको भाई बंद करते हैं और अपने लिए जल्दी से चलते हैं रेप्टर को ढूंढने के लिए। उसके पहले भाई इसकी थोड़ी सी स्पीड भी इंक्रीज़ कर देते हैं, क्योंकि भाई मुझे स्लो स्पीड वाला कोई भी डाइनो पसंद नहीं है, उसी वजह से, क्योंकि आपको पता ही है भाई काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है वरना। तो अभी जल्दी से चलते हो और मुझे नहीं पता भाई इधर रेप्टर मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि लास्ट एपिसोड में भाई इधर दो तीन घूम रहे थे जिसको भाई मैंने मार दिया था, मतलब भाई मैंने सोचा नहीं था कि भाई मुझे चाहिए हो गया बाद में। तो भाई मैंने आई थिंक सो सारे के सारे मार दिए, तो भाई मुझे ढूंढना पड़ेगा यार। और एक तो भाई मैंने एक्सप्लोर करके भी नहीं रखा ना, उसी वजह से भाई मुझे पता भी नहीं है किधर मिलते हैं। और इधर ओविस है क्या, और भाई ओविस भैंस की, भाई ओविस कैसे आ सकता है इधर, आई थिंक सो स्पॉन होने चाहिए, मुझे पता नहीं था, तो अगर पहले पता होता तो भाई मैं पहले ही फार्म कर रहा था इसको, मतलब अभी भाई मज़ा आएगा, क्योंकि भाई आपको पता ही है भाई इसमें से काफ़ी ज़्यादा मटन मिलता है, जो भाई काफ़ी मज़ेदार चीज़ है, क्योंकि आपको भाई किसी भी डाइनो को टेम करने के लिए मटन चाहिए होगा, मटन चाहिए होगा भाई, मटर का क्या करूँगा भाई इधर। तो अभी भाई इधर सब कुछ ट्रांसफ़र कर देते हैं और मुझे भाई चाहिए और रेप्टर चाहिए, और मैं भी भाई इधर नहीं मिलना चाहिए मेरे को, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा भाई इस इलाके पे वो सर्वाइव कर पाएगा, जिस तरह से भाई इधर सब के सब डाइनो है ना उस तरफ से, तो भाई मुझे नहीं लग रहा बिल्कुल ही, बट फिर भी भाई मैं देख लेता हूँ। और भाई मुझे थोड़ी सी आदत, और भाई रेप्टर भैंस की, भाई मैं सोच रहा था इधर नहीं मिलेगा, बट फिर भी भाई वो 57 ओ नाइस वन, चलो 570 लेवल का भाई मिला है, तो इधर मैं भी थोड़े से और मिल जाएंगे मेरे को। और मेरे को मारा है या भाई इधर फाइट कर रहे हो ऑलरेडी, भाई इससे तो बिल्कुल ही भाई दूरी रहना। वोल्टर करके भाई एक डाइनो है जो भाई आई थिंक सो गिद्ध की तरह दिखता है, वो साला भाई इतना खतरनाक है ना, मतलब भाई मैं उसको भाई हरा भी नहीं सकता उसी वजह से। अभी भाई इधर बोला भैंस की, भाई ये बंदा किधर से आया,
भाई इसको कर नहीं सकता, मैं भूल गया भाई, इसको भाई मुझे इससे ही मारना पड़ेगा क्योंकि भाई मेरी स्पीड ज़्यादा नहीं है, मेरे पास मिली डैमेज वाला कोई वेपन नहीं है ना उसी वजह से। और एक तो भाई, अरे भाई ये सुनेगा नहीं भाई मेरी। चल भाई आ जा, अभी जो भी है भाई मैं मार देता हूँ तेरे को। वैसे भाई मुझे मारना नहीं था बट फिर भी। और भैंस की भाई तू काय को पंगा ले रहा है उससे, उसकी हेल्थ देख ले और तेरी हेल्थ देख ले भैंस की। भाई मैं नहीं आ रहा हूँ उसको टेम करने के लिए, मैं भाई दूसरा ढूंढ लेता हूँ। चल हट भाई इधर से। भाई तू क्या बंदा है यार, थोड़ी देर के लिए भाई शांत नहीं रह सकता क्या? मुझे टेम करना था। और इधर भाई अर्थोप्लोरा मिल रहा है भैंस की भाई। अरे भाई इधर आई थिंक सो मिल ही सकता है क्योंकि भाई डेजर्ट में आ गया वो गलत जगह पे। और इधर बेसिलिक, भाई बेसिलिक भी मिल रहा है, मजाक कर रहे हो क्या? कोई नहीं, चलो जो भी है अभी बाद में वो सब देख लेंगे। अभी भाई मुझे जाना है अपने लिए भाई एक रैप्टर को टेम करने के लिए। और रैप्टर अभी भाई मुझे नहीं लग रहा भाई मिलेगा मुझे, क्योंकि हाई लेवल वाला एक तो भाई मैंने गवा दिया भाई इसकी। भाई मुझे लग नहीं रहा मेरे को मिलेगा इधर। और इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है, मैं भी भाई पंगा ना लेना तो भाई सर्वाइव कर सकता है, वरना भाई 120 वाला भाई मैं सोच रहा था थोड़ा सा हाई लेवल वाला मिलेगा। कोई नहीं, चलो अभी क्या ही कर सकते हैं हम लोग। भाई मुझे ढूंढना तो चाहिए दूसरा वाला। भाई इधर कोई भी स्पॉन ही नहीं हो रहा भैंस की भाई, क्या भाई उजड़ा हुआ इलाका है। और ग्रिफिन मिल रहा भैंस की, मजाक कर रहे हो क्या? मतलब कत्ते ग्रिफिन सच में क्या? ओ 510 लेवल वाला, इसको टेम कर सकते हैं यार। और भाई अब पूरा ग्रिफिन वाला इलाका लग रहा है मेरे को। 120, 570, 510, 150 और लास्ट वाला 330 और 150 और 330। 570 वाला सबसे हाई लेवल का है बट उसका टॉर्पर कत्ते ही ज़्यादा हो रखा है। मतलब भाई इसका टॉर्पर चढ़ाने में भाई मुझे काफ़ी ज़्यादा दिन लग जाएगा। मतलब अपने पास कोई सुविधा नहीं है भाई जिससे भाई मैं इजीली उसका टॉर्पर बढ़ा सकूँ। और इधर भाई मुझे मैं भी भाई रैप्टर हाई लेवल वाला मिल जाएगा। अरे दोनों में से एक तो भाई सही लेवल वाला मिल जाए यार। ओ भैंस की भाई गलत सीन हो गया थोड़ा सा। भाई ये कौन सा लेवल वाला है? और 330 लेवल वाला। भाई दो ही रैप्टर है वो भी 300 लेवल के नज़दीक वाली है, उससे ज़्यादा लेवल का। और 840 लेवल का भैंस की भाई, मैं तेरे को टेम करने वाला हूँ कुछ भी हो जाए। अरे भैंस की, अरे भाई निकल ना, बोला निकल। हो भाई बच गए, फट के हाथ में आ जाती भैंस की। भाई इसको बॉडी में मारना मांगता भाई, अगर भाई इसके भाई उसमें मैंने मारने लगा ना तो भाई ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। और भाई दूसरा वाला रैप्टर भी आ रहा है, मतलब कुछ भी यार मेरे को भाई जीने ही ना दो। और भाई इसका बोला भी हटने वाला है थोड़ा सा, भाई मुझे ध्यान भी रखना पड़ेगा। 5 3 3 के ही पहुँचा सकता हूँ। और निकल लो अभी थोड़ा सा, चल आ जा। अरे इधर आना, मतलब सुनेगा नहीं है मेरी। वो बच गया भैंस की। और भैंस की भाई तू काय को आ रहा है, तेरे को बुलाया था, इसको मारना पड़ेगा क्या? नहीं चलो भाई पहले भाई इसको मैं थोड़ा सा टॉर्पर दे देता हूँ, उसके बाद भाई इसका देखते हैं कुछ सीन बिन। मैं भी भाई ज़्यादा टाइम लगाना नहीं चाहिए मेरे को, इधर से निकल लेना चाहिए क्योंकि भाई दूसरा वाला है ना वो उसका बोला हटने ही वाला है थोड़ी देर में। भाई अनकॉन्शियस हो जाना यार, क्या मांगता है तू? निकल लो भाई इसका टॉर्पर ठीक बोला निकलने वाला है इसकी। भाई एक तो भागने लगते हैं बोला जब भी निकलता है ना, लगता नहीं है दूसरी बार तुरंत ही। और भैंस की भाई क्या मजाक कर रहे हो? ओ लग गया। चल तू आ जा जल्दी से, ज्यादा दिक्कत मत दो मेरे को। मेरा भाई वो हेल्थ काफी कम हो गया ऑलरेडी। भाई एक और यार 400 तक चढ़ा दे यार, 4K। भैंस की भाई मरने वाले। इसको मार दूँ ना मजा आ जाएगा, मरना भाई तू जल्दी से। भैंस की भाई लेग होने लगा, गया। चलो भाई अभी आसानी होगी मेरे को थोड़ा सा। और इसको कैसे रिपेयर करते? अब वुड चाहिए, वुड मेरे पास नहीं है। और मुझे थोड़े से ट्रेन के रो भी चाहिए होगे भैंस की। अरे नहीं यार,
चलो भाई हो गया अभी एक क्राफ्ट ड्राफ्ट तो हो गया, बट अपना जो रेप्टर है वो किधर चला गया? ओ ये रहा ये रहा ये रहा। अरे मत मार यार बंदे को, उसको तो सर्वाइव करने दे, तेरे को भाई मैं अनकॉन्शियस करने ही वाला हूँ, रुक। इसको भाई मैं डंडा मार के अनकॉन्शियस कर दूँ क्या दूसरी बार? मैं भी भाई कर सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं, अपने पास आई थिंक सो डंडे से तो ज़्यादा भाई मैं चढ़ा पाऊँगा इससे भी। डंडा 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 भाई किधर गया भैंस की भाई इसका भाई? एक तो भाई मिलेगा नहीं मेरे को, अरे मिला था भाई, अरे मिला था। पहले भाई मैं इधर से निकल लेता हूँ वरना भाई बिना बात का पेल देगा वो मेरे। चलो भाई डंडा किधर है? डंडा डंडा भाई जल्दी से मिल जा, चल डंडा मिल गया। और अपना भाई अगर लेवल और नहीं आया यार, अगर लेवल अप आया होता ना तो बताता तेरे को साले भैंस की, तुरंत ही भागने लगता है बंदा। चल आ जा इधर 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 भाई, अब तेरे को बुला रहा हूँ भैंस की भाई, इतना गंदा वाला मामू बना रहा है मेरे को। चल आ भाई, क्या कर रहा है तू, मतलब बेइज्जती करवा रहा है रेप्टर। अरे भाई इसका टोर पर इंक्रीज हो गया, मैं भूल गया था, सॉरी ब्रो मैं भूल गया था तेरा टोर पर बढ़ गया ना, उसी वजह से तू भाग रहा है मेरे से। अरे यार पहले ही पता होता तो तेरे को वैसे ही पेलने लगता। कोई नहीं चलो अभी क्या ही कर सकते हम लोग। और डंडे से बढ़ रहा है क्या? एक्चुअली 7.6 तो हुआ, 8 के हो जाएगा इस बार, 8 के हो जाएगा। और दूसरी बार डंडा करने पे मे भी हो जाएगा, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। 8 के नहीं 8.5 तक जा सकता है मे भी, या मुझे इसको फॉलो करते रहना पड़ेगा। रुक अब भैंस की रुक, अरे रुक क्या किधर जा रहा है भैंस की भाई? बोले से तो पहले तो भाई मैं पहुंच गया। चलो हो गया अभी, चलो भाई अभी हो जाएगा इजीली अनकॉन्शियस। वेब भाई डंडे से अनकॉन्शियस करना पड़ रहा है, इतनी गरीबी आ गई। मैं सोच रहा था भाई इसको लेके आओ, मतलब भाई अपने जो वो है ना उसको लेके आओ, बट बाद में सोचा भाई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी भाई ज़रूरत पड़ने लगी, अभी क्या ही कर सकते हम लोग। और भाई मैं दूसरे वाले का टोर पर देख रहा था। चलो भाई फाइनली भाई ये बंदा अनकॉन्शियस हो जाए, और इसको भाई 10 मटन चाहिए, ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको 10 मटन दे देते हैं, बट मेरे पास नहीं है यार। और इधर रहा इधर इसके पास है। चलो भाई तेरे को 10 मटन दे देते हैं, और जल्दी से भाई टेम हो जा तू, तुरंत ही हो जा, मतलब मुझे कुछ सुनना ही नहीं है भाई इसको। भाई मुझे आई थिंक सो खिलाना पड़ेगा वैसे भाई, इतनी जल्दी तो नहीं होना चाहिए। किधर गया भाई FMK वाला मोड, FMK वाला जो ए है ना, क्या बोलते हैं, आई थिंक सो यही वाला है यूज़ तो आइए। चलो भाई यही वाला है, 10 मुझे वो चाहिए होगे मेटल, और मेटल के लिए मुझे मेटल रॉक चाहिए होगे जो भाई इधर नहीं है बिल्कुल ही। वो देख सच में यार सेंड मिल रहा है इसमें से, मेरे को जाना पड़ेगा किधर ना किधर तो फार्म करने के लिए। पहले भाई थोड़ा सा ठूस लेते हैं क्योंकि अपना बंदा भाई बिना फालतू का भाई हेल्थ कम करने लगता है। जल्दी से भाई उधर जाना पड़ेगा क्योंकि भाई मुझे लास्ट एपिसोड के बाद भाई मुझे इधर एक मेटल रॉक मिला था और उधर थोड़े से और थे, तो भाई उधर जल्दी से जाके फार्म कर लेते हैं। मे भी भाई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तब तक, भाई वो बंदा आई थिंक सो टेम तो नहीं होगा, और टेम तो ठीक भाई, मेटल रॉक नहीं मिल रहा है मेरे को भाई। इस भाई क्या पंगा ले रहे हो मेरे से? ओ मिल गए। चलो भाई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। चलो भाई FMK वाला थोड़ा सा भाई एक क्राफ्ट कर लेते हैं, कितने हो रहे हैं, थोड़े से नहीं 6 क्राफ्ट कर लेते हैं, मुझे कुछ जानना नहीं है कितने हो रहे हैं। मेटल थोड़े से और फार्म कर लेते हैं जिससे भाई मेरे को भी लास्ट में दिक्कत ना हो, क्योंकि भाई मुझे बाद में चाहिए होगा भाई मेटल, क्योंकि भाई इसमें और सारे काफ़ी सारे भाई आते हैं आई थिंक सो भाई हेल्थ बढ़ाने के लिए भी आता है एक, और बाकी सारे भाई जेंडर चेंज करने के लिए, ग्रो करने के लिए, ऐसा कुछ काफ़ी सारे आते हैं भाई, मैंने ऑलरेडी देख रखे है। मुझे लगा था भाई हो जाएगा बट नहीं हुआ। चलो भाई अभी हो जा, जल्दी से हो जा, अभी भाई इतनी जल्दी होगा ना बात ही पूछो मत। और मैं मुझे इसमें से मटन निकालना पड़ेगा वरना बिना फालतू का भाई ये बंदा मटन गटक गटक करके खाने लगेगा सारा का सारा। नहीं खा रहा भैंस की, कोई नहीं चलो अच्छी चीज़ है अपने लिए ही। और अभी भाई इसके लिए मुझे सेडल चाहिए होगा, और सेडल के लिए मुझे मैं भी भाई बेस पे जाना पड़ेगा भाई। रेप्टर्स का सेडल मैं क्राफ्ट कर सकता हूँ, मेरे पास आई थिंक सब कुछ है यार, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे को।
और क्राफ्ट कर सकते हैं, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई इसको जल्दी से दे देते हैं और इसके राइड करते हैं पहले तो। और भाई मुझे वो सब बनाना पड़ेगा जिससे भाई मैं इस सब को क्रायो कर पाऊँ, क्योंकि अभी भाई मैं इसको क्रायो नहीं कर सकता और मुझे इसको फॉलो करा के लेके जाना पड़ेगा किधर ना किधर तो। अरे आना भाई, और तेरे को पहले तो पैसिव कर देता हूँ बिना फालतू का, तू तो फाइट करने लगेगा। अरे आ रहा है, जल्दी से आ जा, जल्दी से आ जा। और इधर से डाई रखी, डाई मार दे तू भैंस की भाई, मुझे कुछ सुनना ही नहीं है इधर से। और ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं, इधर भाई सब के सब पैसिव डाइनो है। अरे भाई इतनी जल्दी पहुंच गया भैंस की, मुझे नहीं पता था तू इतनी जल्दी पहुंच जाएगा। वैसे भाई मैं इसकी राइड कर सकता हूँ, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि भाई इधर दो रेप्टर घूम रहे हैं जिससे भाई मुझे इसको बचा के लेके जाना पड़ेगा, वरना बिना फालतू का पंगे हो जाएंगे। आ जा भाई जल्दी से आ जा भाई, एक तो रेप्टर की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है ना, मज़ा आ जाता है भैंस की। चल आ जा आ जा आ जा। वैसे भाई अपना बेस किधर है मुझे भी नहीं पता, मैं वैसे ही भाई इसको लेके जा रहा हूँ। आ रहा है ना, आ रहा है। चलो भाई अपना बेस किधर है यार, एक तो भाई दो मैंने फाउंडेशन लगाए और मैं वो भी ढूंढ रहा हूँ किधर मैंने लगाए थे, क्योंकि मुझे याद नहीं है एक्चुअली। जो भी भाई इधर इसको ट्राई कर सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। इसको पहले तो भाई स्टॉप कर देते हैं और बाकी भाई इसको मैं फॉलो कर लूँगा इससे। चलो भाई फॉलो कर ले मेरे को। और इसका हेल्थ तो सही है भाई, इसका मिली डैमेज भी आई थिंक सो सही होना चाहिए अभी के लिए। देख लेते हैं, थोड़े से भाई छोटे डाइनो पे ट्राई करेंगे और उसके बाद भाई हम जाएंगे डायरेक्ट तुरंत ही। और 200 ही भाई डैमेज पड़ रहा है भाई इसकी, मतलब कुछ भी यार कुछ भी। चलो भाई अभी क्या ही कर सकते हैं हम लोग। भैंस की भाई साढ़े बावड़ी पूछ कही के भाई, ये काय को कर रहा है तू। एक तो भाई इधर फाइट कर रहा हूँ और टेरा ना डोन पे एग्रो हो रहा है, और रेप्टर भी था। और भैंस की भाई निकल लो इससे, तो बिल्कुल ही पंगा नहीं लेना मेरे को, क्योंकि भाई वो बंदा क्या है खतरनाक। अरे भाई ये बंदा आ गया भैंस की, भैंस रुक ना भाई, मैं वो ट्राई कर रहा हूँ दूसरा वाला अटैक को, तुम मेरी सुन ही नहीं रहा। भाई निकल लो इधर से, थोड़ा सा पंगा हो गया इधर उधर। ओके अपना बेस तो मिल गया मेरे को, बस इसको बस मारना है बस तब तक। भैंस की भाई हुआ ही नहीं है। चलो भाई ये बंदा मर गया, और जो पीछे आ रहा ना वो तो बिल्कुल ही किसी की नहीं सुनेगा भैंस की। चलो अभी भाई मारने जाते हैं जल्दी से भाई उसको। और कितना है इसे, 2.7 है, ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं होगी मेरे को। भाई क्या, और क्या पहला रे भैंस की भाई, मज़ा आ गया भाई इसको देख के, भाई मज़ा आ गया भाई रेप्टर को टेम करते, बिल्कुल ही मज़ा आ गया भाई। मुझे जो चाहिए था ना वो मिल गया। वैसे भाई इसका मिली डैमेज इतना ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी भाई मुझे जो चाहिए था ना वो तो एक्चुअली मिल ही गया है। अभी भाई इसमें भाई FMK वाले थोड़े से भाई हेल्थ पोशन भी बना लेते मिले तो। अरे मिले गए कैसे भाई, मेरा अभी लेवल ही नहीं हुआ उठना, मतलब भाई मुझे अभी काफ़ी ज़्यादा भाई लेवल अप करना पड़ेगा। 79 हुआ ना अभी, भाई मुझे आई थिंक सो भाई 100 पहुँचना पड़ेगा, मीन्स 20 लेवल अप करना है 21 जितना। चलो जो भी है अभी रहने देते इसको इधर। किधर गया और भैंस की भाई, उधर जाके क्या कर रहा है तू। और इसमें भाई रेप्टर भाई मज़ा आ जाता है देखने में, मतलब इतने ग्राफिक बढ़िया लगते हैं ना PC के, क्या ही बोलूँ भाई मैं। अभी भाई इधर ही अपना एपिसोड ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। और अभी हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।